नमस्कार, कैसे हैं दोस्तों। आज का जो वीडियो है वो कुछ जानकारी को लेकर के है और फ्रॉड को लेकर के है कि जो हमारे मित्र लोग फ्रॉड के चक्कर में फंस जा रहे हैं। और फ्रॉड जो दो प्रकार के अभी बाजार में चल रहा है, लिस्टेड है। तो एक पहला फ्रॉड है, जैसे कि मेरे साथ कल परसों तरसों दो तीन दिन चार दिन से हो रहा था। एक व्यक्ति हैं मेरे फेसबुक फ्रेंड में ही हैं, रमेश प्रसाद शर्मा। मैं उन्हें, अगर वो मेरा वीडियो देख भी रहे होंगे तो आप सतर्क हो जाइए, आपके ऊपर मैं कंप्लेन करने वाला हूँ। तो रमेश प्रसाद शर्मा हैं, जो औरंगाबाद के ही रहने वाले हैं कोई। उन्होंने मुझे मैसेज किया, हाय हेलो कैसे हैं, आपके घर वाले सब कैसे हैं। तो हमने फिर रिप्लाई किया, अगर भाई कोई कौन है, मतलब शायद मुझे जानते हो या मेरे घर वाले को जानते हो। उसने फिर हमें बोला कि इसे आप अपना फ़ोन पे नंबर देंगे क्या, आप अपना नंबर फ़ोन नंबर देंगे क्या। मैंने उन्हें फ़ोन नंबर भी दिया। उन्होंने बोला कि आप फ़ोन पे या गूगल पे चलाते हैं इससे। हम कहाँ चलाते तो हैं इससे। फिर उन्होंने बोला कि क्या से मेरा कुछ पैसा फंस गया है एक मित्र के पास, मेरा अकाउंट अभी बंद है। सो मेरा एक दोस्त आपको फ़ोन करेगा, आप पैसा मेरा मंगवा के रख लीजिए और मैं मेरा अकाउंट जब खुलेगा तब दे देंगे। उन्होंने बोला चलिए देखते हैं, ठीक है। फिर एक व्यक्ति ने फ़ोन हमें किया, विक्रम करके नाम से, बोला कि आई एम एक्स आर्मी ऑफिसर। हम लोग, अरे क्या बात है भाई, आप एक्स आर्मी ऑफिसर हैं। हाँ, तो बोला कि मैं कितना पैसा आपको भेज दूँ। कितना पैसा मतलब, तो आप बताओ। हम कि मुझे पैसा नहीं चाहिए, क्यों मुझे पैसा चाहिए। तो फिर उन्होंने बोला कि नहीं, इसे आपको पैसा नहीं चाहिए। हम कि नहीं। तो फिर मैंने फ़ोन काट दिया। फिर उन्होंने भी फ़ोन किया, रमेश प्रसाद शर्मा ने, क्या पैसा क्यों नहीं लिए बताइए। उन्होंने बोला कि मुझे पैसा नहीं चाहिए, अगर आपके पैसा बकाया है तो आप ले लो यार, मुझे क्यों पैसा देना चाह रहे हो आप। तो उन्होंने बोल रहा है, क्या बोले वो कि वो क्या बोल रहे हैं, मैं पढ़ के आपको बताता हूँ। उन्होंने लिखा कि क्या लिखा यार, उन्होंने लिखा मुझे पेमेंट करेगा दिन में विक्रम से हो रही है क्या। उन्होंने बोला कि पैसा आप ले लो, मेरी ज़मींदारी चल रही है। मैंने बोला वो ज़मींदारी चल रही है भाई, अपने ज़मींदार हो, आप घर के रहो, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है आप जैसे ज़मींदारों की। तो फिर उन्होंने मेरे अकाउंट लॉक कर दिया। फिर हमने उसे विक्रम को फ़ोन किया तो वो बोल रहा है कि आप पहले ही बताओ कि आपके अकाउंट में पैसा है कि। फिर मैंने बोला कि चलो भैया हमको 1,00,000 रुपये आप ट्रांसफ़र कर दो। तो बोला कि आपके अकाउंट में पैसा है। हमने कि मेरे अकाउंट में क्यों, तो हम जो पैसा भेजेंगे वो आपके अकाउंट में अगर 5,000 रुपये होगा तभी आपके अकाउंट में मेरा पैसा जा पाएगा, अगर नहीं जा पाएगा। सोचो, ये देखो फ्रॉड के इन लोग काम है कि आपके अकाउंट के बारे में पहले जानकारी लेंगे कि आपके अकाउंट में है या नहीं है। तो मैंने बोला कि नहीं, मेरे अकाउंट में अभी कोई पैसा नहीं। तो बोला कि आपके अकाउंट में पैसा नहीं जाएगा। अगर आप बोल देते कि हाँ मेरे अकाउंट में है 2,000, 5,000, 8,000 जो भी है, आपको बोलता है कि आप मुझे 5 रुपये ट्रांसफ़र करो, 100 रुपये ट्रांसफ़र करो, आपको कुछ पैसा वो भेजता। फिर बोलता कि आप एक पैसा पूरा ले नहीं रहे, आप उधर से कुछ पैसा भेजो 2,000-4,000 रुपया, फिर मैं आपको भेजता हूँ। ऐसे करके इन लोग का फ्रॉड का चल रहा है। या आपको कुछ पैसा भेजने से पहले वो बोलता कि अपना आपके मोबाइल पर OTP गया होगा, OTP मुझे बताइए। आप OTP बताते आपका पूरा पैसा गायब। तो जो लोकल लोग हैं, जैसे रमेश प्रसाद शर्मा जैसे लोग हैं, ये सारे लोग घटिया लोग हैं। और एक मासूम लोग को इन लोग का काम है फंसा लेना, यार ये सब अच्छा आदत नहीं है, जो भी हो आप। और दूसरी, कुछ दिनों से मैं देख रहा था, मेरे फेसबुक फ्रेंड में बहुत सारे लोग औरंगाबाद के हैं, मेरे लोकल लोग हैं, गार्जियन लोग भी हैं। तो मैं ऐसा देख रहा हूँ, कुछ ऐसी लड़कियाँ हैं जिनका जो फ्रेंड लिस्ट में मेरे पेरेंट्स लोग के फ्रेंड लिस्ट में है। मैंने पेरेंट्स में, तो मेरे करीबियों के बुज़ुर्ग जो करीबी हैं, चचा टाइप के जो लोग हैं, उनके फ्रेंड लिस्ट में हैं वो। वो एक दिन अचानक रात को मेरे पास एक वीडियो कॉल आता है। पहले फ्रेंड रिक्वेस्ट आता है, तो हम देख कौन, तो फिर तुरंत वीडियो कॉल जस्ट आता है। वो वीडियो कॉल क्या होता है भाई, कि आप जैसे ही वीडियो कॉल एक्सेप्ट करेंगे, वो उधर से जो लड़की होती है वो न्यूड होती है, और आप एक्सेप्ट किए और आपका वो स्क्रीनशॉट ले लेगी, आपका वीडियो वापस वो दूसरे कैमरा से बनवा लेगी, वापस वो आपको फिर फ़ोन करके आपको आपसे पैसे की डिमांड करने लगी। ये मेरे साथ, मेरे 3-4 दोस्तों के साथ हुआ है। मेरे बुज़ुर्ग मित्र हैं, मतलब मित्र मैंने हमसे बहुत उम्र दराज हैं, 45 के आसपास कहेंगे, उनके साथ हुआ। वो सिंगर है बेचारे, कलकत्ता के रहने वाले हैं। उन्होंने
पैसा ना दिया, ना देने से मना करने लगे, तो उनकी सारी तस्वीरें जो उसने नेगेट खींची थी अपने साथ, वो सारी तस्वीरें ले जाकर के वो उनके जितने भी फ्रेंड लिस्ट में थे, उनके पेरेंट्स, उनके भाई, उनके लड़का, उनकी लड़की, सबको वो मैसेज करने लगे। तो प्लीज़ मत फंसिए सब ऐसे ऐसे चक्रों में। और तीसरा एक और है, जो ऑनलाइन जो हम लोग लोन ले लेते हैं, ऑनलाइन लोन ले लिए, तो ऑनलाइन लोन वाला भी मत फंसिएगा। ये क्या कर रहे हैं ऑनलाइन लोन वाले कि आपको 10,000-5,000 ऑनलाइन दे देंगे, आप 20,000 दे देंगे, 30,000 देंगे, आपको टाइम पे अगर नहीं लौटाइएगा, आपके आधार कार्ड रखेंगे, आपकी लड़कियों का फेसबुक वो किसी तरह से जान जाते हैं लोग, पता सारा कुछ कर लेते हैं, आपकी वाइफ का फ़ोटो, और वो फ़ोटो नेग्ड करके, अगर आप पैसा नहीं दीजिएगा, नेग्ड करके, और वो आपके कई मित्रों के प्रोफाइल में डाल देंगे, भेज देंगे, फेसबुक कर देंगे, भेज देंगे, और आपके फैमिली के रेट लिस्ट लिख देंगे कि इनका नाइट का ये है। तो प्लीज़ मैं बोलूँगा, जो लीगल वर्क है वही काम कीजिए, कभी भी अनलीगल को फ्रेंड लिस्ट में मत शामिल कीजिए, और ना अनलीगल को आप अपने फेसबुक लिस्ट में आने दीजिए। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, सतर्क रहें और सुरक्षित रहें। नमस्कार।